प्रणाम सब गोटे के, हमर नाम मोनिका झा है। हम लंदन में ईस्ट कोर्ट में रहे छी। यूके में हम 2013 में एलो। हमर हस्बैंड ने तो बहुत दिन से रहे चले था। हम शादी के बाद 2013 फरवरी में एलो। मिथिला में हम सब दुनू गोटा मधुबनी जिला से बिलोंग करे छी। तो हमर हस्बैंड के गांव छे नारायणपट्टी और हमर गांव है हनुमान नगर। आज हम अहाँ सब संगे एक व्यंजन बनाबा जा रहल छी, जकर नाम छे ओल के कोफ्ता। बहुत लोग ओकरा ओल के बड़ी सेहो कहै छथिन। हमर सासुर में सबके ओल के बड़ी कहै छथिन। ई ओही ठुमका रेसिपी छे, हम अपन सासुरे में सिखलहुँ। अहाँ सब भऽ सके बहुत लोग बने तो हैब, बहुत लोग नहीं हो बनबे था। आज देखियो हम केना बनाबै छी, हम की तरीका से ओमे चेंज कऽ कऽ कनी बनाबे के कोशिश केलहुँ। तऽ अहाँ सबके पहले हम कोफ्ता केना बनतै से बता दै छी। पहले हम आधा किलो ओल लेलहुँ हँ, एहन वाला ओल छलै जकरा हम बहुत नीक से धो लेलहुँ, कियाकि बहुत मिट्टी लागल रहै छै। बहुत नीक से धो कऽ ओकरा अहाँ फेर उबालि लेने छी हम। तो उबालियै हम प्रेशर कुकर में। अगर अहाँके लागै कि अहाँ बर्तन में उबालब तऽ ई कम्प्लीटली ऑप्शनल छै। हम ओकरा उबालि लेने छी और एकरा में हम दू तीन टा चीज मिक्स करे वाला छी। तो हम एहिमे कनी चेंज केने छी, हम एहिमे धनिया और जीरा के तावा पर कनी हल्का भूजि लै छी बिना कोनो तेल देने, और ओकरा फेर हम मोट मोट पीस लै छी, बेसी पातर नहि पीसै छी। तऽ ई उबलल छै, बहुत ज्यादा ना सॉफ्ट छै ना हार्ड छै। तऽ एहिमे हम एक चम्मच धनिया, सुखायल धनिया जे पीसने छी ओ देलियै, एक टी स्पून, और लगभग एक टी स्पून जीरा देलियै। एहिमे हम नमक स्वाद अनुसार सेहो देने छी। नमक अपन इच्छा अनुसार छै, केओ बेसी खाइ छथिन केओ कम खाइ छथिन। एहिमे बाइंडिंग लए हम बेसन सेहो दऽ रहल छी। तऽ बेसन हम कनी कनी दऽ कऽ देखबै जतेमे बाइंड भऽ जाय। अखन हम पहिले एक टेबल स्पून बेसन देलियै। अहाँ हाथ से या फोर्क से जैसे चाही मैश केनाइ, एना मैश कऽ कऽ देख लियौ। हमरा एक और चम्मच बेसन देबे पड़तै, जैसे कि बढ़िया बेसी गीला नहि होइके चाही, जैसे जहन हम सब फ्राई करबै तऽ इजिली फ्राई भऽ जाय। जबे हम कोफ्ता के तैयारी करै छी, हम अपन कढ़ाई से गरम कऽ लै छी एकरा फ्राई करै लए, ताकि ई जहन तैयार हेतै तऽ हमर सबके तेलो गरम भऽ जाय। अहाँ सब जे तेल इस्तेमाल करै छी अपन सब्जी बनाबै लए, ओ तेल यूज कऽ सकै छी। हम सनफ्लावर ऑयल यूज कऽ रहल छी। अहाँ लॉग से देख सकै छी एकर केहन कंसिस्टेंसी छै। जाबे हमर तेल गरम भऽ रहल, हम कोफ्ता के बनेनाइ शुरू करबै। हमर हाथ साफ केने रहौं अखन। जहन हाथ से छुबे तो अहाँके एक्चुअल पता चलत कि एकर कंसिस्टेंसी केहन छै। अखन हमरा कनि गीला लागि रहल अछि। एहिमे हम करीब 2.5 टेबल स्पून बेसन देलियै।
एक छोट कटोरी में कनिक तेल ले ले छी जकरा कि हाथ में लगा के अगर घोसा बनेबे तो स्मूथली बनते काफी बढ़िया है। कनिक एक चुटकी तेल में दे कर चेक कर सकते हैं कि तेल गरम भले कि नहीं। तेल गरम भ गेल छे कोफ्ता के या बॉडी जे कहियो ओकर साइज अहां अपन इच्छा अनुसार रख सकते छी जते पैग या जते छोट अहाँ के नीक लगे। पहले से हमने सब उबाल के रखने चाहिए तो अहाँ एक मीडियम टू हाई हीट पर पका सकते हैं कि ऑलरेडी पाकल है तो एक अंदर में उतने ज़्यादा पाके के काज नहीं है गोल्डन ब्राउन हेते उतने देर तक हम सब फ्राई कर दें। बड़ी के मिश्रण में अगर अहाँ चाहिए तो ग्रीन चिली से वो काट कर दे सके अगर हमारे घर में बच्चा है ते वाले हम नहीं दे छे ग्रीन चिली काट कर मुंह में आवे छे तो फिर उन्हें खा पावे छे। निकाल हुआ दे छे तुरंत ने छुबे के जरूरत छे हम फ्लेम अब हाई कर दिलियो जब अपन सबके कोफ्ता फ्राई बरल हम अहाँ सबके एक जो झोर बनते एक ग्रेवी बनते ओकर तैयारी बता दी छी। तो दोसर कढ़ाई लो लेबो गरम हो जाए छे एक झोर हम बनाबे छी जेना अपने आप सबके एठा माछक झोर बने छै सरसों वाला तेना झोर बनाबे के हम कोशिश करै छी। बहुत लोग प्याज लहसुन दऽ के बनबे छै जेना हम प्याज लहसुन दऽ के बनबे छी अगर अहाँ प्याज लहसुन नहि खाइ छी अहाँ प्याज लहसुन नहियो दऽ सकै छी सीधा टमाटर और सरसों के झोर बना सकै छी। छोट चम्मच से पलटे में आसानी होती है कोफ्ता टूटे के डर नहीं रहे छे।
तरफ जन बहते तो कनी हल्का छोट चम्मच से एक एक टाके पलट जैसे कढ़ाई गरम हो गया एक झोड़ बनबे ला हम सरसों के तेल यूज करे छे और अगर अहाँ सनफ्लावर ऑयल यूज करे चाहे छे वो ठीक छे। ओल में या माछ के ग्रेवी में जैसे में सरसों के तेल के बढ़िया स्वाद आवे छे ते द्वारे हम सरसों तेल यूज करे छे। एमे सबसे पहले तेल देंगे तो मैं हम कनी हींग ले रहल छी जीरा पाउडर जीरा छे खड़ा जीरा तेज पत्ता सूखा लाल मिर्च अगर आहां के पसंद है तो किछो खड़ा गरम मसाला दे सके छे। हम बस बड़ी इलायची और दालचीनी दे रहल छी हम बेसी नहीं दे रहल ये सब देला के बाद तनी खलका चला दी हींग और जीरा जन लागे की भर रहल छे एमे देखियो कोफ्ता कते सुंदर फ्राई भर रहल अपन सके ई हम एक टा प्याज काट के रखने छे जेना हम कहलो हम प्याज लहसुन वाला बनबे छे अगर अहाँ चाही तो बिना प्याज लहसुन के सेहो बना सके छे हमर सासुर में ज्यादातर बिना प्याज लहसुन के बने छे। एक टा पैघ प्याज हम बारीक काट के रखने हूँ बहुत लाल नहीं करे जैसे जा तक कि कहीं हल्का सुनहरा भर जैसे प्याज मैं कोफ तो चेक करे रहे चाहिए तो प्याज पीसियो कर सकते हैं लेकिन हम प्याज पीस के नहीं देखिए एक बार क्या कि तेल कनी बेसी लागे छे तो आजकल सब क्यों कम तेल खाए चाहे छे तो हम काटिए के देखिए कनी बारीक काट कोफ्ता ऑलमोस्ट भ गेल छै कनी हल्का लाल हम कर रहल छी तहन बन्द कर निकालि लेब प्याज देखियौ हल्का सुनहरा भेनाइ शुरू भऽ गेलै बेसी नहि करैके छै किएकि एखन बाँकियो मसाला सब चीज पर छै ओहो सङ्गे फेरी फ्राई होइत रहै छै। एक बाद एहिमे हम लहसुन अदरक के पेस्ट बना कर रखने छी से दऽ रहल छी ई 2 टीस्पून हम देंगे एहिमे
फेन अपन जो है लहसुन अदरक भुजा रहे अखन इनमें बाकी के सूखा मसाला देना शुरू करें। देवे हल्दी, धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून से, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर देंगे, कहीं कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, रंग बढ़िया आ रही और कहीं सॉल्ट, सॉल्ट नमक अपन स्वाद अनुसार। जन अपने सब मसाला देंगे, कहीं हल्का मसाला भूज सा, तखने हम टमाटर के पीस कर रखने 1.5 एक और आधा टमाटर के हम पीस कर रखने छी। हम अ स्टेज पर टमाटर एक बार दे छी जब हमर मसाला जड़े में, टमाटर के बस हम नॉर्मल ग्राइंडर में पीस लेने छी, कोनो फैंसी ओकरा ब्लांच कर कर या किछ कर कर नहीं, नॉर्मल जेना टमाटर पीस का पीस के द्वारा दिलिए जे क्विकली रेसिपी जल्दी बन जाए। आप कोफ्ता के बढ़िया रंग आवे लागे, 1 से 2 मिनट और देना के कोफ्ता बढ़िया से तैयार हो। अपन ग्रेवी के बस टमाटर दे के संगे कते सुंदर कलर आएगा, एक भूजे के छे कनी नीक जगह। कोफ्ता रेडी है, संग हम मिठाइयो ले छी। अगर अहाँ के ओल बड़ निक लगे तो अहाँ एनाहियो खा सके छी। कोफ्ता रेडी है, क्यों कते सुंदर लग रहा है। मसाला देखने छे जना, हम कहलो ई मसाला हम जना अपने से माछ बनबे छी सरसों वाला तेहन तरह के मसाला छे, तो मसाला हमर ऑलमोस्ट भुजा गेल अइ स्टेज पर हम कनिक किचन किंग मसाला दे दे जे कि अहाँ के इच्छा पर अगर अहाँ नहीं दे छिए तो अहाँ नहीं दे सकते छिए, हम कनिक दे छिए स्वाद कनिक अलग और नीक भए जाए। करीब 1 टीस्पून के करीब देलिए, हल्का ओकरा भूज के, और अइ स्टेज पर आप सरसों हम पीस के रखने छी, ई पीला सरसों छे हमरा लग पीले वाला छले तऽ हम पीला सरसों पीस के रखने छी। हम 2 और 2.5 टीस्पून करीब ले लिए और एक नीक जगह मिक्स कर लिए। सरसों दे दे रही एक मसाला के खुशबू एकदम बदल गए, खूब बढ़िया खुशबू आ रहा है। वीडियो में अहाँ सबके खुशबू नहीं जाए पर अहाँ सब फील कर सके छी अगर माछ या ओल नीक लगे तो। मसाला के नीक जगह फ्राई हुआ दे,
तनी रिच मसाला बने छे। अगर आप देखियो मसाला हमारे कढ़ाई के पैन के छोड़ रहा है, एक मतलब कि मसाला ऑलमोस्ट रेडी है। बस 2 मिनट और फ्राई करवे और फिर इनमें पानी देकर ग्रेवी बनावे के तैयारी कर। ग्रेवी के बाद ज़्यादा किश नहीं चाहिए, कहीं ग्रेवी खोल जाते फिर हम सब इनमें कोफ्ता दे दे। हाँ, राइस संग भात संगे खा सके छी, अहाँ रोटी पराठा कोनो चीज़ संगे खा सके छी। और बहुत देर अपना सबके घर में गेस्ट आवे छथिन, कहे छथिन बिहार का कुछ खिला, अहाँ बिहार के नहीं मिथिला के कोनो एक रेसिपी बना के खुआ सके छी। तो काफ़ी बढ़िया रेसिपी हमरा सबके नीक लगे लगे छै। ई भ गेले, एमे हम पानी दे जुबे कनी कनी कक पानी दे रहल छी। पानी एते दे के छै कि कोफ्ता जन देबे, कोफ्ता सेहो कनी पानी एब्जॉर्ब करते, क्योंकि बेसन दे के बनेंगे, बेसन कनी एब्जॉर्ब करे छै फिर अहाँके झोर गाढ़ा भ सके। तो कनी हम बेसी पानी देबे और अहाँके कंसिस्टेंसी ओहो पर डिपेंड करे कि अहाँ कथी संगे खाइ छी। पानी दे दियो और कनी का झाँप दै छी, ये ग्रेवी जल्दी से तैयार हो जाए। ई रेसिपी के पाछू एक छोट स्टोरी छे। हम कहियो ब्याह के पहले ओल नहीं खाए छलो, हमरा कहियो ओल पसंद नहीं रहा। तो हमर मम्मी जहिया घर में ओल बने छले हमरा लगे बना दे, फिर हम जन ब्याह कर के गेलो तो हमर सासुर में जे ट्रेडिशनल मिथिला के व्यंजन सब होइ छै ओहि सब के बहुत शौकीन छथिन और स्पेशली ओल के बहुत ज़्यादा शौकीन छथिन। तो ओतो बहुत ओल आबे छले और हमर हस्बैंड छलथि एतय, हम छलहुँ ओतो, तो ओतो हम कहितो नहि छलियै कि हमरा ओल नहि बढ़िआँ लागैए। तो हम खाली झोर कनी खा कऽ आओर नहि खाइ छलहुँ। एक दू बेर के बाद हुनका सबके बुझा गेलनि कि ई नहि खाइए ओल। ओहिमे एक दिन हमर सासू माँ कहलखिन कि आइ ओल के बड़ी बना लिअ। हम कहलियै ओल के बड़ी केना होइ छै, केना, हम खानो नहि बनबै छलहुँ ब्याह के पहिले। तो हमरा बतेलथि कि एना एना बेसन कऽ कऽ आओर जेना माछ के झोर बनै छै तेना कऽ कऽ बनतै, खाली प्याज लहसुन नहि देबै। ओ तऽ ओसब कम प्याज लहसुन खाइ छथिन। तो हम बनेलियै ओ, जहन हम खेलहुँ तो हमरा ओल जे कनि इंडिया मे जे ओल होइ छै कनि गर्दनमे लागै छै ने, ओहो नहि लागल। तो आओर हमरा बहुत नीक लागल, हमरा ओ एकदम नया तरह के रेसिपी लागल। और तहियासँ जतऽ जाइए जखन ओसब कहै छलखिन कि ओल के बड़ी बना लिए तऽ हम खुशीसँ खाइ छलहुँ। अखनो बहुत सारा एहन चीज छै जे हम मिथिला के ट्रेडिशनल चीज जे हम नहि खाइ चाहै छी, जे हम अहाँ सबके नहि बतायब, नहि तऽ अहाँ सब हँसब हमरा ऊपर। लेकिन ई रेसिपी एहन छलै जे हम फेर अपनो नैहरोमे बतेलियनि और हम एतऽ हमेशा बनबै छी। हमसब मेनली दुए गोटा छी जे सब चीज खाइ छी। तो जखनो ओल आबै छै एक दिन हमसब ओल के सब्जी बनेलहुँ, दोसर दिन हमसब कोफ्ता जरूर बना कऽ खाइ छी। देख लै छियै ग्रेवी, देखियौ ग्रेवीमे उबाल आबि गेलै बढ़िआँसँ और खुशबू सब बहुत बढ़िआँ आबि रहल छै। अगर अहूँ सब हमरा जेहन छी जिनका कि ओल नहि नीक लागै छै तऽ ई रेसिपी एक बेर ट्राई कऽ कऽ देखियौ और जिनका ओल नीक लागै छनि तिनको नीक लगतनि। आइ स्टेज पर हम अपन कोफ्ता एहिमे अब दऽ देबै, कियाकि कनी हमसब कोफ्ता सङ्गे सेहो बॉइल करबै ताकि ग्रेवी सबटा अन्दर तक चलि जाए। जगह मिला दियो, फ्लेम के हम कनी हाई पर रखने छी तो बस कनी देर लग
झाँप कर राखि दै छी ताकि ओ सबटा रस अंदर तक चलि जाए तऽ नीक लागै छै खाइमे। ता तक हम अपन सर्व करके तैयारी कर लै छी। चीज जो हम बिसरि रहल छियै तऽ अगर अहाँ सब दै छियै मछली कनि कस्तूरी मेथी ऊपर से क्रश कऽ कऽ दऽ दियौ, ओकर खुशबू बहुत नीक आबै छै। बस हाथ पर हल्का मसल कऽ दऽ दियौ आओर एकरा कनि काल झाँपि कऽ राखि दियौ, ओकर पूरा खुशबू बढ़िआँ से ओहिके अंदर आबि जाए। अपना सबके इंडिया में जो ओल भेटे तो बहुत ज्यादा नींबू देवे पड़े क्योंकि गर्दन में लागे एत ओते दै के जरूरत नहीं तैयो हम एंड में नींबू के रस दै छे कनी वो सबटा मसाला के बैलेंस कर दै छे ते द्वारे देख लीजिए आप सब भ गेल तो देखियो लोग से कते नीक लागल प्याज काटियो कर देलिए तैयो प्याज बहुत बढ़िया मसाला सब चीज सबटा बढ़िया से मिक्स कर दिए हमें तो बंद कर दे छी और एमे हम जना करू हम कनी नींबू रस दे छी ग्रेवी के बढ़िया स्वाद आबि जाइ छै तो करीब क्वार्टर नींबू छै के हम निचोड़ देलिए अगर अहाँ ज्यादा पसंद करै छी तो ज्यादा दऽ सकै छी। बस कनी धनिया पत्ता एक बेर बढ़िया से मिक्स कर दै छियै। ग्रेवी अगर अहाँके लागि रहल अछि कनि पतला छै जहन कनि काल अहाँ कोफ्ता मे छोड़बै सबटा ग्रेवी के एब्जॉर्ब ओल के कोफ्ता या बड़ी जे कहियो बन के तैयार है अहूँ सब अपना घर में ट्राई करू और प्लीज़ हमरा बताएब कमेंट सेक्शन में कि अहाँ सबके नीक लागल कि नहीं नीक लागल। कोनो अगर सजेशन हुआ क्या कि हम बेसी दिन से कुकिंग नहीं करे छी कोनो अगर सजेशन हुआ कि ई केना और नीक भ सके छै तो प्लीज़ बताएब। बहुत बहुत धन्यवाद हमरा तरफ से और हमर कैमरामैन हमर पति देव के तरफ से विपिन झा के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।